शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भगवान के लिए अपनी हरकतों से बाहर आ जा। तो बचा लो हवलदार साहब, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बर्बाद तो तब होगा जब जेल की चक्की। मुंह संभाल के बात करो, क्या किया है बेचारे ने? देखो ना, बाहर 900 का बोर्ड लगा रखा है और अंदर राशन भरा पड़ा है ब्लैक में बेचने के लिए। नहीं साहब। लेकिन तुम कानून हाथ में लेने वाली कौन होती हो? पुलिस चौकी में रिपोर्ट क्यों नहीं की? और ये पुलिस वाले किस लिए है? पुलिस के आते आते तो इसने सब सामान ब्लैक में पार कर दिया होता, फिर क्या करती तुम्हारी पुलिस? क्या करता? अब क्या करता हूँ वो देखो। तुम दोनों गुनेगार हो, जू बोथ कल्प्रिट। देखो जी, मैंने कोई गुना नहीं किया। हाँ, राशन सरकारी दाम पर बेचा है, नहीं मानते? ये देखो पैसा, देखो। हाँ, ये ले अपना पैसा। तुम कोई राशनिंग अफसर नहीं हो? दोनों पुलिस चौकी चलो। अरे राम सिंह भैया, तुम अपनी पत्नी को गिरफ्तार करोगे? तुम बीच में दखल देने वाली कौन होती हो? हमारा सबसे बड़ा रिश्ता इस वर्दी से है, हमारे कर्तव्य से है। My duty is first. अब बोल दुर्गा, अच्छे काम की कदर तेरा पति ही नहीं करता तो और लोग क्या करेंगे? नारी होके नारद मुनि का काम करती है। Shut your mouth. चलो पुलिस चौकी। अरे साहब, मेरा हटो, हटो, हटो। तुम लोगों ने समझ क्या रखा? पुलिस चौकी होते हुए भी तुम अपनी गवर्नमेंट चला रही हो? ओ साहब जी, आजकल तो चोर अचक्का चौधरी गुंडी रन प्रधान। बंद कर दो इन सबको लॉकअप में। साहब जी, वो जो हरी साड़ी वाले ने, मैं उसकी जमानत देना चाहता हूँ। जमानत? तुम? हाँ, वो क्या है कि वो मेरी बैफ है। पत्नी? अरे राम सिंह, तुम अपनी पत्नी को गिरफ्तार कर लाए? साहब जी, ला इज ला, प्राण हो या परा, मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक हवालदार होने के नाते इसको गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य था, और एक पति होने के नाते इसकी जमानत देना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे किसी की जमानत नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब। एक हवालदार होने के नाते इन्होंने अपना फर्ज निभाया, एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम काला धंधा बंद करवाएं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ताओ देखो साहब जी, ये काला धंधा बंद करवाते करवाते एक दिन मेरा मुंह काला करवाएगी। इसको पूरी गैंग के साथ अंदर करवाइए, दो दिन में इसके सारे बल निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने अपना अपना फर्ज निभाया है, अब मैं भी अपना फर्ज निभाता हूँ। देखो मथुरादास साहब, तुमने आइंदा कभी राशन छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दुकान को सील कर दूंगा और तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, नहीं करूंगा। ठीक है, तुम लोगों को अभी पहली वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद साहब। महंगाई कितनी बढ़ गई है, समझ में नहीं आता क्या करें। इंस्पेक्टर बड़ा भला आदमी है। दुर्गा, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। अच्छा मेरी दुर्गा, तू पैदल घर जाएगी? चल, तुझे साइकिल पे छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। क्यों? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, वर्दी पहनकर तो तुम अपने आप को लाट साहब समझने लगते हो। और तुम बगैर वर्दी के अपने आप को कुतुब साहब की लाट समझती हो? ए, एक बात सुन ले, ज्यादा भाव नहीं खाना, रब दी सौ मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। घूमती है तो घूमने दे मेरे ठेंगे से, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। और जानिए तो जा, मैं भी तेरे बगैर रह सकता हूँ। और ये मत सोचना मैं तुझे मनाने आऊंगा, मुझे रोटी बनानी आती है, चटनी भी बना लेता हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, मेरी चौखट पर आकर नाक भी रगड़ोगे ना तब भी नहीं आऊंगी। दुर्गा, तू आ गई? क्या नाराज तुझसे? नेवर नेवर। खाना ना पीना तेरे बगैर ये घर काटने को दौड़ता था। You are very sexy, हाय। तो मर गया थी। ओए माँ। जानती हो मेरी कितनी बेइज्जती हुई माँ? फिर भी इस तरह आके तूने अच्छा नहीं किया। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। उसने अपना फर्ज पूरा किया, तुम जानती हो उसे अपने कर्तव्य से कितना प्यार है। माँ, मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। बेटी, पति कितना भी प्यार करे लेकिन अगर उसने दिल पर कोई बात ले ली तो पछताना पत्नी को ही पड़ता है। तू चिंता मत कर माँ, तेरी बेटी ने हमेशा मर्दों की पिटाई की है, मगर प्यार सिर्फ उससे किया है, वो मर्दों का मर्द है। मैं जानती हूँ माँ, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। माँ जी, देखा वो आ गया। माँ तू अंदर जा, अंदर जा ना माँ।
माँ जी, माता जी, जी मैंने कहा जी माँ जी कहाँ हैं? मेरी दुर्गा रानी नाराज है मुझसे। हाथ मत लगा मुझे। क्यों नहीं लगाऊं? तू मेरी पत्नी है, चल घर चल। मैं नहीं जाती। देख मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। जबरदस्ती ले जाएगा? जबरदस्ती करना कानून के खिलाफ है, और कानून का आदमी होते हुए तुझे ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अरे मुझ कानून वाले को तू कानून सिखाने लगी? कानून की बात करती है तो कानून के तहत ही आया हूँ। उस कानून के तहत जो पति पत्नी को अग्नि के गिर्द सात चक्कर देने के बाद जीवन साथी बनाता है, डांट कर, डपट कर, रूठ कर, मना कर, प्यार से घर गृहस्थी चलाने की इजाजत देता है। हाय 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 हाय, चित भी मेरी पट भी मेरी। पुलिस स्टेशन में तो सरकार के कानून का डंडा, और घर में प्यार का डांटो, डपटो, रूठो, मनो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रखनी सो लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ रुक जा। नहीं जाऊंगी। रखनी सो लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। फिर मत कहना मैं कबड्डी 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 का रेखे कबड्डी के पहले आजादी कर बैठा। बात तेरी तो चल चल घर। इस बेचारी को क्यों उठा के ले जा रहा है? चाची, पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो क्या मैके में जाके बैठ जाती है? जरा पूछो इससे। ए दुर्गा, ए सुन सुन दुर्गा। चन्नी, ए चन्नी, कहाँ हो तुम? क्या सोच रहे हो? सोचने से क्या होता है जी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत? किसकी किस्मत? अपने बलदेव भैया की। नजर मिली, दिल मिले, मुलाकात हुई, बात हुई, शगन हुआ, और अब लगन की तैयारी है। और एक हम हैं कि गोलू के बैल की तरह वहीं चक्कर काट रहे हैं। काटने वाले तो मोहब्बत में पहाड़ भी काट देते हैं जी। मगर जिस गरीब से एक रात भी न कट सके वो क्या करे जी। इतनी ही बेसब्र हो तो लड़की के बाप से क्यों नहीं बात करती? किसके बाप से बात करें, कोई लड़की भी तो हो नजर में। चन्नी, क्यों वह है तुम्हारी नजर में? है तो सही। तो फिर बताओ ना। मगर तुम उसके काबिल नहीं। अच्छा जी, अब हम तुम्हारे काबिल ही नहीं रहे। ऐसे ना देखो, मुझे शर्म आती है। हमें तो शौक है जी भर के तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। चलिए हटाओ अपनी निगाह। उफ, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। बैठो रेखा, ऐसी भी क्या जल्दी है? बड़े बेसब्र हो, शादी में अब दिन ही कितने बाकी हैं? पूरे 5 दिन और 4 रातें। हाँ तो शरीर कहीं के। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया है। क्यों? तुम दिल में सोचती होगी कि मेरा प्यार तुम्हें कहां से कहां ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? कहां वो तुम्हारा आलिशान बंगला, और कहां ये गरीब की कुटिया? तुम्हें गर्मी लग रही होगी। पंखा भी तो नहीं है इस घर में। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पंखे का इंतजाम करता हूँ। ठहरिए, आप यहाँ बगैर पंखे के रहते हैं ना? हाँ हाँ, लेकिन तो फिर मैं क्यों नहीं रह सकती? रेखा, ये तुम्हारा बड़ापन है, वरना मैं तो ये महसूस करता हूँ कि तुम आकाश से धरती पर आ गई हो। और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं धरती से आकाश पर पहुंच गई हूँ। और फिर आज का दिन तो हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। दिन नहीं, रात। Thank you.
नवेली बहू को भला कोई काम पे लगाता है? लाइए ना माँ जी, मैं इन पुरानी बातों को नहीं मानती। मैं झाड़ू लगाती हूँ, आप नाश्ता बना लीजिए। माँ के हाथ का नाश्ता खाते खाते तो हम बूढ़े हो गए, आज तो हम अपनी भाभी के हाथ का नाश्ता करेंगे। क्यों भाभी, आज हो जाए कुछ मूली वाले पराठे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा आया हुकुम चलाने वाला, खुद सेवा करने के बदले उल्टा भाभी से सेवा कराता है। माँ सुना नहीं, कर सेवा खा मेवा। क्यों भाभी, सेवा होगी तो मेवा जरूर मिलेगा। चल शरारती कहीं काम कर। क्या हुआ? न जाने किस बदतमीज ने साइकिल की हवा निकाल दी। हवा निकाल दी? खुदा बचाए इन कॉलेज के लड़कों से। ठहरो, मैं अभी देखता हूँ। तो ये मेहरबानी हजूर की है? आशा, दरअसल बात ही है, मैंने सोचा इसी बहाने अकेले में बात करने का मौका मिलेगा। तो करो ना अकेले में बात, कौन रोकता है, मैं चली। गलती होगी बाबा, माफ कर दो। चलो इसी साइकिल पर दोनों चलें। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी साइकिल की, भगवान ने मुझे पांव दिए, मैं अकेली जा सकती हूँ। गुड आफ्टरनून ईस्टर्न एक्सपोर्टर्स। नहीं नहीं कोई बात नहीं मिसेस शर्मा, एक मिनट। अरे तू तो अकेली हंसी जा रही है, क्या कह रही है? घर बुलाया है, जीजू नहीं लगता। हाँ डेला, अच्छा मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। 20 मिनट में? अच्छा अच्छा 15 मिनट के अंदर निकलता हूँ। अरुणा, क्या तुम समझती हो तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगता है? कभी कभी तो जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, बस तुम्हें देखता रहूं। लौटा काशीनाथ जी। ब्रदर, ईस्टर्न एक्सपोर्टर आजकल सिर्फ इष्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब? वही टेलीफोन। शर्मा जी ने 40 बरस की उम्र में शादी करके पूरे दफ्तर को बारात बना दिया। रोज घंटे में 2 घंटे टेलीफोन होता है। घंटे में 2 घंटे? ये कौन सा हिसाब हुआ? अरे पंजू मन, इश्क किसी हिसाब में आया है? बॉस की सूरत से मालूम होता है कि उसमें इतना रस है। वे बाबा, क्या क्या रे? घर तेरी की लाइनें कट गई।
तुम्हें ऐसे रहना चाहिए जैसे तुम शादी के पहले थे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भूख लग गई है, अब मैं चाहूं भी तो वैसे नहीं रह सकता। पहले मैं कहता था ये सब कार व्यवहार मर्जी से चलते हैं, बीच में ये औरतें क्या करती फिरती हैं? और अब सोचता हूं ये मर्द क्या बकवास है। जानती हो रुना, पहले क्लब और पार्टी ही मेरी जिंदगी थी, अब तो भीड़ से मुझे सख्त घबराहट होती है। क्यों? भीड़ में जाकर मैं तुम्हें खो बैठता हूँ। जाओ जाओ, सब बहाना है सुस्ती का। चलो भले मैनेज बनकर चलो। सरला सरला जी बगरानी, चलो चलो घर संभालना, शायद हमें देर हो जाए। और हाँ, खिड़कियां भी बंद कर देना, कहीं बारिश ना आ जाए। अच्छा चलो। आज न जाए तो? न गए तो बदनामी होगी। सुनो भैया, बख्शी वाला यही है ना? जी। घर में है कोई? जी अंदर जाइए। जी सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम अशोक है। मेरी माँ और बहन को हॉलीडे कैंप से आप यहाँ लेकर आई हैं? आप बख्शी साहब की लड़की है ना? पर ये बख्शी वाला है ना, तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? ये क्या, राशन भी साथ में लेकर आए? ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई किसी के घर जाए तो सर पे पलंग भी उठा लाए। चलिए चलिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, चलकर मुंह हाथ धो लीजिए। वैसे आपको मुंह धोने की जरूरत नहीं, उल्टा आपको देखकर अपना मुंह धोने को जी चाहता है। चलिए चलिए, आंटी जी और आपकी बहन समझती होंगी कि पता नहीं आप कहाँ खो गए। चलिए चलिए। यहाँ तो एक से एक बढ़कर कैरेक्टर है। शॉर्ट स्टोरी तो क्या है, एक अच्छा खासा नॉवल लिखा जा सकता है। भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और रानी गरम। इसमें तैयार होने की क्या बात है, चलो। पर सुनो गौरी, आज तुम बड़े घर की मेहमान हो, वहाँ खाना चबड़ चबड़ करके मत खाना। तुमने क्या मुझे इतनी बुद्धू समझ लिया? अरे बाबा, मैंने इतनी कब कहा है। भैया क्या कभी हमने किसी बड़े आदमी के घर खाना नहीं खाया क्या? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो तुम रोज खाती हो, हमारे यहाँ तुम ऐसे जैसे जी चाहे खाओ, मगर यहाँ कुर्सी पर बैठकर छुरी कांटे के साथ खाना पड़ेगा। खा सकोगी? छुरी कांटे से? ओहो, तब तुम भाई बहन दूर दूर बैठना। माँ मेरी बात तो ये सुनती नहीं, तुम जरा ऐसे समझाओ ना, वो मंगनी का है दाल सब्जी ना क्या। माँ तुम भी हंसने लगी भैया के साथ साथ, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो माँ तुम क्यों हंसती हो? चल बाबा जल्दी कर, भूख लग रही है। नहीं नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, बेकार नौकरी ढूंढ ली, कोई बिजनेस शुरू कर लिया होता आखिर हम तुम्हारी पीठ पे। आप ठीक कहते हैं जैसे, लेकिन आप भी कुछ करने की हिम्मत नहीं बढ़ी, एक्सपीरियंस नहीं था ना, इसलिए। एक्सपीरियंस शुरू में थोड़ा ही होता है, आहिस्ते आहिस्ते सब हो जाता है। हाँ, आदमी हर बात कोई पेट से थोड़ी सीख कर आता है। अब जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मुझे क्या एक्सपीरियंस था, शायद इसलिए प्रॉफिट हो गया। अरे वो लोग आ गए, आइए 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 आइए। अशोक प्रिया में आप यहाँ बैठो, बैठ। ये है अशोक, आप हैं इनकी माता जी, और ये है गौरी। बैठो बैठो। अशोक ये हैं चाचा जी, इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, और आप हैं मुझे बख्शी कहते। मिस्टर बख्शी अशोक एक बहुत अच्छा राइटर है,
हिंदुस्तान के बड़े बड़े मैगजीन्स में इसकी शॉर्ट स्टोरीज और आर्टिकल छपते हैं। खूब काम क्या करते हैं? अच्छा कहा आपने, वाकई हमारे देश में लेखक को काम अलग से ढूंढना पड़ता है। सिर्फ लिखने से तो रोटी नहीं चलती, और किताबें खरीदने वाले मेरे ख्याल से दो चार होते हैं, बाकी तो सब मांग कर पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे देश में लोग पढ़ते भी हैं। देखा चाचा जी, सब बातें कर रहे हैं और मैंने एक भी बात नहीं की। पापा कहते हैं कि मैं बड़ी बातें करती हूँ। बातें तो छोटी ही होती हैं, लेकिन जब तू करती है तो बड़ी हो जाती है। पापा, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं उमा के साथ खाऊंगी। उमा उमा चलो ना बेटी। ये क्या तुम्हारी छोटी बहन? नहीं आंटी, ये शर्मा अंकल की बेटी उमा है। आंटी, मैं इससे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मजे की बात ये है कि हम दोनों एक ही दिन एक ही तिथि पैदा हुए। अच्छा, आओ बेटी बैठो, खाना खाओ। नहीं आंटी, ये खाना ही खाने जा रही है, लेकिन दूसरे कमरे में खाई, सबके सामने नहीं खाती। क्यों? शर्माती है। अच्छा, तो मैं भी इसके साथ खाना खाऊंगी। मेरे साथ खाना खाने में तो कुछ वो नहीं ना। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं उमा के साथ खाना खाऊंगी, मुझे भी एक टेबल वेबल की आदत नहीं है। चलो बैठो तुम यहाँ। पापा, हैरानी की बात है ना, उमा दिन ब दिन बुढ़ी ही होती जा रही है और तुम दिन ब दिन बच्ची होती जा रही हो। सवेरे उठ जाती हैं आप? कितना सुहाना होता है सुबह का समय, हर चीज एक दूध या ठंडक में नहाई सी मालूम होती है, और फिर देखते देखते एक उजला सा पहनावा पहन लेती है ना। ये आंचल में क्या छुपा रखा है आपने? फूल है, देखूं तो। अरे कितने खूबसूरत हैं ये फूल, कुछ मैं ले लूं? उमा, बिना गर्म कपड़ा पहने ही चली आई। नमस्ते। नमस्ते। अरुण उठ गया? नहीं, आपके लिए चाय भिजवा दूं? अगर तकलीफ ना हो तो भिजवा दीजिए। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। चलो उमा, स्वेटर पहन ले। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, चाय मत पीजिए, चाय मत पीजिए। क्या हुआ? कहां कपड़े दीजिए। आखिर बात क्या है? डैडी, आज हम सब बाहर जा रहे हैं, वही खाना होगा, वही पीना होगा। उठिए उठिए ना। जब इसकी जबान पर उठना आ गया तो उठना ही पड़े। इसे मिलिट्री का ऑर्डर समझो बेटे, जाओ। चलिए। बाय। बहुत ही अच्छा लड़का है, याद है इसका बाप भी ऐसा ही था। हसमुख, मुझे यकीन है उमा इसके साथ बहुत ही सुखी रहेगी। अरे बाबू, आज तो बहुत मजा आएगा, खाना पीना बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स किस बात की? इन बुड्ढों से मुझे बचा लिया जी। क्या, मेरे डैडी को बुड्ढा कहते हैं? लड़ाओ पंजा। नहीं नहीं, तुम्हारे डैडी को नहीं, शर्मा अंकल को। शर्मा अंकल? अंकल शर्मा? ये तो अंकल शर्मा से कमाल है, तुम तो हर बात सीरियस ले लेती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं समझ गई, आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं। कब किस को क्या बात मुझसे निकल जाए कोई भरोसा नहीं। बस सिर्फ इतना है कि मैं बहुत बातें करती हूँ, लेकिन मुश्किल से कोई बात गलत होती है। आप भी बातें करते हैं, लेकिन शायद ही कोई ठीक होती है। फिर भी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कितने हसमुख हैं आप, देख क्या रहे हैं, जाइए उन लोगों को तैयार कीजिए। यानी अशोक को मैं कहूँगा तो शायद तुम कहोगे तो अलबत्ता। ठीक है ठीक है, मैं उन लोगों को संभालूंगी। सोने दो ना बेचारी। चलिए चलिए, सब लोग तैयार हो जाइए। आई गौरी, तुम अभी तक सो रही हो? लेखक महाजन, बस हो गया लिखना, बस अब जल्दी जल्दी से। क्या बात है आंटी, आज हमने डिसाइड किया है कि आज का नाश्ता आपका सब बाहर करें। मुझ बुढ़िया को कागज टोकी बेटी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे। आंटी बुढ़ी है इसलिए नहीं जाएंगी, आप जवान है इसलिए नहीं जाएंगी, उमा इसलिए नहीं जाएगी, न वो बुढ़ी है न जवान। गौरी, तुम भी कोई बहाना ढूंढ लो। ठीक है, आज का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों क्यों कैंसिल? क्यों कैंसिल? मैं अकेली ही जाऊंगी और आप सबका खाना मैं अकेली खाऊंगी। चलो तैयार हो जाओ। चलो आंटी।
सताया ना मुझे भी। अरे चिरगुट भी यहाँ किस लिए आया है? घर में बैठने के लिए? चल तैयार हो जा। जल्दी बैठ। लीजिए अशोक बाबू, ये भी आपकी। गौरी दरी ले ली। हाँ, और बास्केट? बास्केट डिक्की में रख दी। उमा जी नहीं जाएंगी? उमा वो तो कहीं भी नहीं जाती। कोशिश करके तो देखिए। आप क्या समझते, मैंने उसे कहा नहीं। पिकनिक का नाम सुनते ही उसे ठंडे पसीने आने लगे। मैं तो डर गई कहीं बेहोश न हो जाए, इतनी शर्मीली है वो। इसीलिए तो उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। अनिता जी, हम लोगों का साथ उनके लिए बहुत जरूरी है। भूल जाइए अशोक बाबू, जो बात हो नहीं सकती उसके लिए बेकार माथा फोड़े क्यों। चलिए चलिए। तुम क्यों नहीं रही उनके साथ? तुम उन जैसा हंस खेल क्यों नहीं सकती? क्यों तुम ऐसे अपने आप में गुम रहती हो? तुमको यहां ये हंगामा, ये भीड़ अच्छी नहीं लगती ना? मुझे भी अच्छी नहीं लगती। चलो हम आज ही यहां से लौट चलें।